जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर फायरिंग कर दिया। आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। आतंकवादियों ने ड्राइवर को गोली मारी। फायरिंग के बाद बस खाई में गिर गई। हमले में 33 से ज्यादा तीर्थयात्री घायल हुए। तो रियासी में जिस जगह पर हमला हुआ वहां से अंकित भट्ट हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए। हम आपको बस की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बुलेट के निशान जो है वो साफ तौर पे आप इस बस पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कायराना हरकत जो है उसको आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। यहाँ पर कुछ सामान है वो भी यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है और तस्वीरों में आप देखिए कि बस की हालात किस तरीके से है। यहाँ पे पूरी तरीके से जो डैमेज है वो पूरी तरीके से बस पे हुआ है और फ्रंट की तरफ से आतंकियों की तरफ से गोलियाँ चलाई गई। पीछे भी गोलियों के निशान जो हैं वो साफ तौर पे बस पे देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही आतंकियों की तरफ से ये गोलियाँ चलाई गई उसके बाद जो ड्राइवर है वो अपना नियंत्रण जो है वो खो जाता है। हम आगे की तरफ कोशिश करेंगे आपको तस्वीरें दिखाने की कि किस तरीके से ये वो मंजर है। ये देखिए सामान, चप्पलें, जूते, उसके साथ साथ टोपी यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रही है और खून ही खून के निशान जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन, हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो इस वक्त पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। और ये देखिए कि किस तरीके से घने जंगल का इलाका है जहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। देखिए एक और गोली का निशान फ्रंट पे, आतंकियों की तरफ से गोलियाँ जो हैं वो चलाई गई, साइड से आतंकियों की तरफ से गोलियाँ चलाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांच जो है वो पूरी तरीके से, गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज है। गोलियों के निशान यहाँ पर लगे हुए हैं और साफ तौर पर कायराना हरकत जो है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों की तरफ से यहाँ पर किया गया है। घने जंगल आप देखिए कि पूरी तरीके से डेंस फॉरेस्ट है। और अंकित भट्ट का सीधे रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जिस जगह पर यह हमला हुआ। अंकित जरा दिखाइए, आप बताइए कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, क्या हुआ था, पहले आप ये बताइए। देखिए 6:10 थे जब शिवखोड़ी से जो बस थी वो कटरा की तरफ जा रही थी और उसी बीच में आतंकियों की तरफ से घात लगाकर उस बस पर हमला किया गया जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 33 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की गई, पूरे इंसिडेंट पर जो जानकारी है वो ली गई। उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी इस पूरे इंसिडेंट को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP RR स्वैन और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की गई। लेकिन इन सब के बीच सुबह से ही सूरज की पहली किरण के बाद ही एक बार फिर जो ऑपरेशन है उसको ऑन किया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन तस्वीरों में हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए घने जंगलों का ये इलाका है जहां पर ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। ये वो रोड है जहां पर इन आतंकियों की तरफ से घात लगाकर हमला किया गया। माना जा रहा है 2 से 3 आतंकी हैं, पाकिस्तानी आतंकी हैं जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, तो इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया पूरे इलाके को और लगातार सर्च ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। शुक्रिया आपका अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। तो रियासी में हुए आतंकवादी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने क्या कहा ये भी आपको दिखाते हैं। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और DGP से बात कर रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए इस हमले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के शिकंजे में डाला जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री ने स्थिति की जानकारी ली और हालात पर नजर रखने को कहा है, साथ ही सभी घायलों के बेहतर इलाज और मदद के निर्देश दिए हैं। PM मोदी और अमित शाह ने हादसे पर शोक जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।